नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मोहित चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और साइंस में साइटोलॉजी या कह सकते हैं सेल हम लोग पढ़ रहे थे, और उसमें मैंने सेल के बारे में आपको बता दिया था, कह सकते हैं सेल का इंट्रोडक्शन, सेल कितने प्रकार की होती है, साथ में सेल ऑर्गेन्स के बारे में बता रहे थे, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो था लवक या प्लास्टिड्स, वो आपका चल रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्योर रहिएगा उससे एक दो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, एग्जाम आपका कोई भी हो। तो आज हम लोग लवक पढ़ेंगे और लवक के माध्यम से और भी बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, है ना। फिलहाल अगर आपको ये सब नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, उसमें आपको कुछ पीडीएफ मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाइए और साथ में उसमें आल लिखा होता है, आल को प्रेस करिए, जिससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो पोस्ट होंगे सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों को शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, लवक प्लास्टिड्स। लवक प्लास्टिड्स, लवक प्लास्टिड्स, चित्र आपके पास में है या मान लीजिए आपको नहीं ध्यान है तो आप सेल वाला वीडियो देख करके वहां से आप समझ सकते हैं। आज मैं चित्र बनाने वाला नहीं, है ना, उसके लिए आपको दो तीन वीडियो मिल चुके हैं, उसमें आप जाकर के देखिए। लवक के बारे में मैंने आपको बताया था कि लवक की खोज किसने किया, क्या बताया था, हैकेल ने। लवक की खोज किया हैकेल ने, और शब्द किसने दिया था, सिंपर ने, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था। मैंने ये भी बताया था कि ये जो लवक होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, पहला क्या है, वर्णी लवक, और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट, और दूसरा क्या होता है, आवर्णी लवक, दूसरा क्या है, आवर्णी लवक, इसे क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा क्या होता है, हरित लवक, और हरित लवक को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, इसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जो वर्णी लवक हैं ये कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, कलरफुल। आवर्णी लवक कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। और साथ में हरित लवक कैसे होते हैं, हरे रंग के, मतलब ग्रीन कलर के, है ना। मैंने ये भी बताया था कि इनका कार्य, वर्णी लवक का कार्य क्या होता है, रंग प्रदान करना, इनका कार्य क्या, रंग प्रदान करना। आवर्णी लवक का कार्य होता है भोजन संचय, आवर्णी लवक का कार्य क्या होता है, भोजन संचय, और हरित लवक का कार्य क्या होता है, भोजन निर्माण, हरित लवक का कार्य क्या होता है, भोजन निर्माण। ये चीजें आपको क्लियर रहेंगी। मैंने बता दिया था कि आवर्णी लवक का कार्य क्या है, भोजन संचय, फूड स्टोरेज। मैंने ये भी बता दिया था आपको कि पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। मैंने ये भी बताया था कि प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट क्या है, साइकस, और साइकस के तने में स्टार्च संचित रहता है जिससे साबुदाना बनाया जाता है। ये चीज भी मैंने आपको बता दी थी। मैंने वर्णी लवक में आपको बता दिया था कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, चुकंदर का बीटानिन के कारण, हल्दी का कुरकुमिन या जेंथोफिल के कारण, पपीता का कैरिका जेंथिन के कारण, है ना, गाजर का कैरोटीन के कारण, सेब का एंथोसाइनिन के कारण, मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण, मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण, साथ में मैंने बता दिया था पत्ती का पीला रंग कैरोटीन के कारण, और मैंने बता दिया था दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण, दूध का सफेद रंग केसिन के कारण,
दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? केसीनी है। दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापते हैं। दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये सब मैं बता चुका हूं। मैंने ये भी बताया था किरेटिन बाल नाखून सींग खुर त्वचा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मैंने किरेटिनिन के बारे में भी आपको बताया था कि किरेटिनिन का सेक्रीशन या स्राव यदि यूरिन के साथ में होने लगे तो माना जाता है कि किडनी खराब होने वाली है। लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल को छोड़कर गर्भवती महिलाओं को छोड़कर गर्भवती महिलाओं में किरेटिनिन का सेक्रीशन या स्राव आम बात होती है। यहां तक मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं हम हरित लवक की, क्लोरोप्लास्ट की। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट जैसे आप जानते हैं इनका कार्य क्या है? भोजन निर्माण। ये कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? तो क्या बताएंगे? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाता है जो प्लांट्स है, पौधा है, पौधे के किस किस भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है? जरा समझिएगा। मान लीजिए ये कोई प्लांट्स है ना? यहां पर हमने क्या बना दिया? ये जड़ें। और ये क्या है? हमने बना दिया पत्तियां। ये क्या बना दिए? पत्तियां बना दी। ये क्या बना दिया गया? पत्तियां बना दी। ये लीफ है, स्टेम है और रूट है। पत्ती, तना और जड़। आप देखेंगे पत्तियों में क्लोरोफिल तो पाया जाता है। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जड़ों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। साथ में याद रखिएगा, न्यूली बार्न स्टेम, नए नए तने में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। दो चीजें याद रखिएगा। पूछा जाए पौधे के किस भाग में सबसे ज्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? लीफ में। पूछा जाए क्या तने में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? न्यूली बार्न स्टेम, नए नए तने में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। आप छोटा सा कोई प्लांट्स लगाइए और उसमें देखिए उसका तना कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। जड़ों में कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। याद रहेगा ना? अब आपसे पूछा जाता है इस क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, तो क्या बताएंगे? Mg++। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्या कहेंगे? मैग्नीशियम। और ये क्लोरोफिल किसमें सहायक है, तो हम क्या बताएंगे? प्रकाश संश्लेषण में। किसमें सहायक है, तो क्या बताएंगे? प्रकाश संश्लेषण में, मतलब फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल किसमें सहायक है? प्रकाश संश्लेषण में सहायक। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए आप जानते हैं कि क्या क्या आवश्यक होता है। अगर हम मान लीजिए बात किसकी करें? प्रकाश संश्लेषण की, है ना? किसकी बात करें? प्रकाश संश्लेषण की बात करें, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? पहली बात तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए। साथ में क्या चाहिए? CO2 चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश। साथ में क्या होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल, CO2 और सूर्य का प्रकाश, और इसी के माध्यम से क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं। बिना क्लोरोफिल के भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। और जब प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, तभी पौधे क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। याद रखिएगा, ये क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में सहायक है या पौधों के भोजन बनाने में सहायक है?
जैसे हम लोगों का खाना कहाँ बनता है? रसोई में। कहाँ बनता है? रसोई में। वैसे ही पौधों का खाना कहाँ बन रहा है? यही क्लोरोफिल, है ना। तो इसीलिए क्लोरोफिल को किचन हाउस या रसोई घर कहते हैं। क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो क्या बता देंगे? रसोई घर। क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? रसोई घर, किचन हाउस। मैंने बताया था माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर। क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं, याद रहेगा ना। और प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा पौधे के किस भाग में होगा? तो क्या बताएंगे? पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक कब होती है? मॉर्निंग में और इवनिंग में। जब सूर्य का प्रकाश लाल होता है तभी प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है? लाल होता है, तभी प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती। इसीलिए याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किस रंग के प्रकाश में होता है, तो आप क्या बताएंगे? लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है, पत्तियों में सबसे ज्यादा होता है। फिर पूछा जाए कि पूरी पृथ्वी पर कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस। याद रखिएगा, शैवाल, एल्गी। आगे बॉटनी में हम आपको एल्गी पढ़ाएंगे तो बताएंगे एल्गी सर्वव्यापी हैं। शैवाल क्या है? सर्वव्यापी हैं, हर स्थान पे मिलते हैं आपको, समुद्र में, तालाब में, नाली के पास में, आपके घरों में, चट्टानों पर, पहाड़ों पर, ग्लेशियर में, हर जगह आपको शैवाल मिलते हैं। और ग्रीन कलर के होते हैं। कलर तो और भी होते हैं, रेड कलर भी होता है, ग्रीन कलर भी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किस में होता है? शैवालों में होता है। अब ध्यान दीजिएगा, शैवालों से आपसे पूछा जाता है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो आप क्या बताएंगे? शैवालों में होता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। आगे शैवाल में ही हम आपको बताएंगे कि शैवालों से ही सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीजन का उत्पादन। इस समय देख रहे हैं ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? नहीं। और ऑक्सीजन का स्रोत वास्तव में क्या है? यही प्लांट्स हैं, पौधे हैं, है ना। धड़ल्ले से पेड़ पौधे खूब काटे गए, है ना। और उसी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आज क्या है? छटपटाहट है लोगों में, होनी भी चाहिए। फ्यूचर सोचना ही नहीं है, ऊंची ऊंची इमारतें बनवाना है, विलासिता का जीवन जीना है। पेड़ पौधे कट रहे हैं, जल रहे हैं, जलने दो, कोई मतलब नहीं। तो आएगा कहां से ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का स्रोत कौन है? यही प्लांट्स हैं, है ना। ये नेचर चेतावनी दे रहा है कि संभल जाइए, संभल जाइए, प्रकृति के अनुसार चलिए, उससे युद्ध करने को मत सोचिए। आज एक एक सिलेंडर के लिए छटपटाहट मची हुई है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किससे होता है? इन्हीं शैवालों से। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? इन्हीं शैवालों में। एक चीज और याद रखिएगा, शैवाल क्या है ना, कि इससे सबसे अधिक प्रोटीन भी मिलता है। सबसे अधिक प्रोटीन भी किससे मिलता है? शैवालों से। एक शैवाल का नाम आपने सुना होगा, स्पाइरुलिना। मेडिकल स्टोर पर स्पाइरुलिना की टेबलेट भी मिलती है। जिनको प्रोटीन की आवश्यकता हो आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, है ना। तो इसमें शैवालों में क्या होता है? प्रोटीन भी सबसे अधिक मात्रा में होता है। शैवाल के बाद कवक, कवक के बाद कवक में मशरूम, है ना। शैवाल, फिर कवक यानी फंगस, और फंगस में भी क्या? मशरूम। और उसके बाद क्या आता है? सोयाबीन, है ना। ये क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन के मैक्सिमम स्रोत का घटता हुआ क्रम। शैवाल, मशरूम, फिर सोयाबीन, फिर दालें, समझ रहे हैं ना। तो शैवाल से रिलेटेड ये चीजें हैं, और बाकी जो कुछ है वो शैवाल जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण शैवालों में, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन शैवालों में, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी।
शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में होता है? तो क्या बताएंगे? लाल रंग के प्रकाश में होता है। सुबह और शाम प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है? कुछ अधिक होती है। दोपहर में उतना प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। पौधे के किस भाग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है? तो आप क्या बताएंगे? पत्ती वाले भाग में होता है। ये इस प्रकार से आपका लवक का एक छोटा सा वीडियो है, और ये वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि 15 से 16 मिनट का वीडियो है और 2 क्वेश्चन आपके पक्के, एग्जाम कोई भी हो 2 क्वेश्चन श्योर है आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से मैंने लवक और प्रकाश संश्लेषण दोनों चीज को कवर किया है, और साथ में पौधे में भोजन किस रूप में स्टोर होता है वो भी आपको बता दिया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और न्यूक्लियस पढ़ेंगे, और न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए क्रोमोसोम्स सारी चीजें हम पढ़ेंगे। साथ में मैंने आपको बताया है, चीजें अच्छी लगे तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब, नए सब्सक्राइबर हैं तब भी याद रखिए, और या पहले से ही चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस करिए और उसमें ऑल जरूर लगाए रखिए, जिससे क्या होगा समय समय पर जो भी वीडियो पोस्ट होते हैं सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू आप सभी लोगों को।